जीवन जीने के कई तरीके होते हैं। एक तो आप आए दुनिया में अपने लिए खाए पिए चले गए, और एक होता है कि एक अभियान बना दिया और दूसरों के लिए कुछ कर गए और उन्हें एक प्रेरणा दे गए कि भैया आप ऐसा करोगे तो बहुत सारे लोग आपसे प्रेरित होंगे। ऐसे ही एक व्यक्ति हैं मेरे साथ नोएडा के, और आप उन्हें समाजसेवी कहें कुछ भी कहें, लेकिन वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, दादी की रसोई चलाते हैं। और मेरे साथ इस समय अनूप खन्ना जी हैं, जो कि अपने पेट के लिए नहीं दूसरों के पेट के लिए जीते हैं। सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। सर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। सर लोग सोचेंगे कि मैं बात कर रहा हूँ खाने पीने का और समाज सेवा का, लेकिन खड़ा हूँ गाड़ी के साथ में। मैं भी ये सोच रहा था कि गाड़ी के ऊपर आप अपने वीडियोस बनाते हैं, आज ये दादी की रसोई की कैसे याद आई आपको? सर दादी की रसोई की याद ही आई क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि दादी की रसोई तभी चल सकती है जब आप एक गाड़ी चलाओगे। गलत हो या सही? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इस गाड़ी से ही हम लोग सब्जी लाते हैं, इसी गाड़ी में अपना राशन पानी आता है, तो ये गाड़ी दादी की रसोई का एक पार्ट है। तो लोग क्या करते हैं, दुनिया में आते हैं और अपना ही पेट पालते पालते दुनिया से चले जाते हैं। क्या किया उन्होंने, अगर उनकी पूरी जिंदगी का हिसाब लगाओगे तो हो सकता है कि उन्होंने कुछ किया ही नहीं, लेकिन इन ये सर प्रेरणा स्रोत हैं क्योंकि इन्होंने ऐसा कर दिखाया है कि बहुत सारे लोग इनसे जुड़ गए हैं। और इनके इसी बात को पसंद करते हुए अमिताभ बच्चन जी ने इन्हें बुलाया था कौन बनेगा करोड़पति में। गलत हूँ सर? बिल्कुल सही है, करमवीर प्रोग्राम में अभी 8 जनवरी को हमारा टेलीकास्ट हुआ था, वहाँ गए थे हम। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं सर के साथ में इटियोस लीवा चलाते हैं लगभग 6 सालों से, इसके बारे में बात करूंगा और इनकी जिंदगी को एक्सप्लोर करूंगा, हो सकता है आपको सीख के जाए, तो पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए सर तैयार हो? थैंक यू, थैंक यू। चलिए सर, तो मैं अनूप सर के साथ इनकी गाड़ी में आ गया हूँ जो कि इटियोस लीवा है, सही हूँ सर? बिल्कुल सही। तो कब खरीदा था आपने इसे? तकरीबन 6 साल पहले। मास्क उतार दिया जाए। उतार दिया सर, मैं आपकी बुलंद आवाज सुना नहीं पाऊंगा, वैसे भी शूटिंग करते हुए आप कर सकते हो। अच्छा, नहीं नहीं, वैसे भी अब तो कोरोना कम हो गया है। ठीक है ठीक है, चलेगा। तो सर चलाते हैं दादी की रसोई, मतलब 250-300 लोग ऐसे होते हैं जो सर के पास 5 रुपए में खाना खाते हैं। आप सोच सकते हैं 5 रुपए में आज के टाइम में क्या मिलता है, मतलब बहुत सारे लोग तो इसे सिक्के लेने से परहेज करते हैं। सर खाना कैसे खिलाते हो आप? चेंज के लिए हम लोगों ने अपनी दुकान पे जो रोज हमारे पास चेंज आती है वो दुकान पे रख देते हैं, और वहाँ से वो सिक्के ले आते हैं और 5 रुपए खुले हमारे को देने होते हैं। ये कंसेप्ट आपके, चूंकि आप गाड़ी के ऊपर करते हैं तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, मैंने देखा जब हम पेट्रोल पंप पे खड़े होते हैं और पेट्रोल हमें मान लीजिए 2000 का भरवाना है, तो जब पूरा पेट्रोल भर जाएगा उसके बाद क्रेडिट कार्ड निकालते हैं या कैश निकालते हैं, पीछे वाला हॉर्न बजा रहा है। अगर आपको 2000 का है तो पहले 2000 रुपये निकाल लीजिए और हाथ के हाथ उसे दे दीजिए, तो समय बचेगा पीछे वाले का। तो वो कंसेप्ट मैंने अपने दादी की रसोई में लगाया कि 5 रुपये में खाना अगर हम दे रहे हैं किसी को तो वो पीछे वाले का समय ना खराब करें, क्योंकि 100 का नोट निकालेगा फिर मैं 95 रुपये दूंगा उसे। तो वो जो पेट्रोल पंप पे मैंने हरकतें देखी थी वो यहाँ पे इम्प्रूव करी है, और हर एक से कहता हूँ जब भी आप जिंदगी में कभी पेट्रोल भरवाएं, जितने पैसे का हो या जितने टाइम आपका पेट्रोल भर रहा है उस टाइम अपना क्रेडिट कार्ड दे दिया, आपका सारा पेमेंट विद इन टाइम हो जाए जब तक आपका पेट्रोल भरा जा रहा है। तो ये छोटी छोटी सी बातें अगर हम ध्यान रखें, चूंकि अब गाड़ियां बहुत हो गई हैं सड़कों पे, ठीक है, तो इन बातों का ध्यान रखना हम लोगों को बहुत ज्यादा जरूरी है। सर मैं आपका वो इंटरव्यू देख रहा था अमिताभ बच्चन जी के साथ में, तो वो भी सरप्राइज थे कि आप 5 रुपए में कैसे मतलब मैनेज करते हैं। तो एक वो भी बिग भी हैं और मैं भी हाइट में देखा जाए तो मैं अमिताभ बच्चन तो नहीं हूँ, लेकिन सर मुझे लगता है कि अपने फील्ड वाला मैं अमिताभ बच्चन हूँ। 5 रुपए में मैनेज करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि दाल चावल से शुरू करा था मैंने, अचार देता था, लेकिन लोगों ने जुड़ना शुरू करा। अब जैसे आज आप ही आए, आपने कहा कि मैं भी कुछ करना चाहता हूँ, अब आपने हो सकता है रसगुल्ले के लिए आप स्पॉन्सर कर दें, किसी ने पेड़ के लिए मैंने कहा, तो हर एक के दिल में इच्छा होती है, वो हफ्ते में एक बार आ रहा है, महीने में एक बार आ रहा है, कोई साल में एक बार आ रहा है, तो इस तरह के बहुत लोग जुड़ जाते हैं। एक मंच दिया है, उस मंच के माध्यम से लोगों ने जुड़ना शुरू कर दिया, तो ये आज हम रोटी भी दे रहे हैं, आपने देखा रसगुल्ला भी है, पेड़ा भी है, फ्रूट्स भी है, खाना बड़ा अच्छा था, अरे देसी घी का होता है सर। तो एक्चुअली क्या है, जब आप कोई भी काम शुरू कर दीजिए, सच्चे मन से काम करेंगे तो लोग अपने आप साथ आएंगे, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। जैसे आप आज वगैरह फोन करे आए, आपने मुझे नहीं बताया कि आप आने वाले हैं, आपने आके चुपचाप खाना खाना शुरू करा, हाँ। देखा आपको अच्छा लगा ना, अगर आप पहले बता के आते तो कहते अच्छा आज इसने देसी घी इसलिए डाला होगा क्योंकि मैंने बता दिया था। नहीं सर बहुत अच्छा। तो मेरा ये मानना है ट्रांसपेरेंसी के साथ में कोई भी काम करा जाएगा, आप कभी भी आइए 12 से 2, यहाँ पर आपको इसी तरह से एक पिकनिक वाला माहौल रहेगा,
अब गरीबों के लिए तो ये जरूरतमंदों के लिए बहुत बढ़िया पिकनिक स्पॉट हो गया। जो झुग्गी के अंदर रहते हैं मियां बीबी और दो चार छोटे से बच्चे, वो एक साथ आके खाना खाते हैं वहाँ पर, इतना बढ़िया सीन होता है, क्योंकि वो कभी जिंदगी में अफोर्ड नहीं कर सकते इस तरह से, और यहाँ आके अपने फ्रूटी भी मिल रही है बच्चों को, चॉकलेट। अपने मुद्दे पे वापस आता हूँ, लोग बोलेंगे कि दादी का रसोई कर दिया पूरा, इसमें दादी का रसोई बहुत अच्छी बात है, नोएडा में रहते हो तो सर को कभी स्पॉन्सर भी करके जाना, यहाँ पे लोगों के लिए खाना देके जाना, कुछ पैसे देके जाना, जो भी आप कर सकते हो वहाँ पे, मदद चाहे पैसे से या जो भी आप करना चाहते हो, यहाँ पे लोग आके करते हैं कंट्रीब्यूट। लेकिन मुद्दे पे लौटते हैं सर, जब आपने दादी की रसोई शुरू की थी तो ये गाड़ी भी खरीद ली थी? एग्जैक्टली, क्योंकि इससे पहले मेरे पास मारुति वैन थी, उसके बाद में ऑल्टो रही, और फिर मैंने मारुति वैन ली थी। और मुझे दो तीन गाड़ियाँ शुरू से ही बहुत पसंद रही, एक तो मारुति का मैं फैन था, सभी लोग हैं, क्योंकि सस्ती मजबूत और टिकाऊ गाड़ी है। एक्चुअली गाड़ी के साथ में जैसे क्रूज भी है मेरे बेटे के पास में, और वो भी है, तो वो चलाने में लंबी गाड़ी है, पार्किंग में दिक्कत होती है, तो ये एक ऐसी गाड़ी लगी मुझे एटियोस के बारे में। एक तो टोयोटा है, तो इसके बारे में ये पता लगा कि इसके इंजन बहुत बढ़िया होता है। आप तो गाड़ी के मास्टर हैं, मैं आपके सामने देख चुका हूँ 138,000 किलोमीटर ये एटियोस लेवल चल चुकी है, और ये बिकती नहीं है बाजार में, मुझे थोड़ा दुख लगता है कहते हुए, लेकिन क्या है कि एक ऐसे पर्सनालिटी के साथ में थी तो जरूरी था इनकी कहानी कहना। तो सर बताइए, तो मुझे एटियोस इसलिए पसंद आई कि ये एक तो लग्जरी भी नहीं थी, और मारुति जैसी छोटी गाड़ी भी नहीं थी, तो ठीक है, मेरे जैसे भारी भरकम आदमी के लिए बढ़िया सी थी, और एवरेज भी अच्छा था, और टोयोटा का इंजन था इसके अंदर, तो जिसके बारे में सुना गया है कि अच्छा होता है, बाकी इतनी ज़्यादा डिटेल नहीं पता मुझे। लेकिन हाँ, जिससे भी मैंने बात करा, और मैं भी आज आपको अगर दिल की बात पूछें, इस गाड़ी ने कभी भगवान की दुआ से परेशान नहीं करा, कभी भी। 138,000 किलोमीटर में आपने अब तक कितनी सर्विस करवाई, कुछ याद है? मुझे पता है बहुत लंबा वक्त होता है, शायद याद ना हो। मेरे मित्र के हैं यहाँ पर, अग्रवाल मोटर्स करके हैं, तो उनको कह रखा मैंने, कहा भाई जब मेरे इसकी हो जाए तो हर दो चार पाँच छह महीने बाद तो अपने गाड़ी मंगा लिया करो, वो ड्राइवर भेज देते हैं, गाड़ी ले जाता है, सर्विस करा के दे देता। इनफैक्ट जब मैं दादी की रसोई में ना सुबह से शाम तक इतना इन्वॉल्व रहता हूँ कि मुझे पता ही नहीं रहता कि इसकी क्या कितने चली है, क्या है, कैसे है, तो वो ये उनकी ड्यूटी है। अच्छा। और भगवान की दुआ से तो क्या खर्चा आ रहा होगा सर, क्या माइलेज मिल रहा होगा पहले बताइए, तो फिर और बातें करेंगे आपसे। मैंने नहीं समझता 2000 से ऊपर कभी दिए होंगे सर्विसिंग के। अच्छा। मुझे सस्ता भी कर देते हैं वो। अच्छा, और माइलेज क्या आ रहा है सर? माइलेज 20 से ऊपर ही है, 20 के करीब है। आपको इतना माइलेज अभी भी मिल रहा है, और 138,000 किलोमीटर के बाद में, मतलब ये जो आप जी रहे हो इसके साथ में, अच्छा लग रहा है। हाँ, एक तरह से ये भी मेरी फैमिली का मेंबर हो गए। मेरे से कहता है, मेरा बेटा भी कहते हैं कि पापा चेंज कर लो, मैंने कहा नहीं, ये भी इस पे हाथ सेट है, आपको सेंटिमेंट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं कुछ, पता नहीं आप लोग मानते हैं, कुछ गाड़ी लकी मान लेता आदमी कि यार, मतलब लोहा कहते हैं फलता है फूलता है, बहुत सारी बातें इन्वॉल्व है। अब हमारे जमाने में जो है, हम अपने जमाने की बात करेंगे, तुम्हारे जमाने की थोड़ी करेंगे। सर कानून कायदे की बात करें, क्योंकि आपने पुराने जमाना देखा हुआ है, जहाँ पे गाड़ियाँ शुरू हुई थी वो दौर भी देखा है, आप 90 से गाड़ी चला रहे हो सर, 90 से ही देखा जाए तो 30 सालों में सर क्या बदला है? आपको लगता है कि आप इतने सारे, मतलब समाज के लिए सेवा कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, पर क्या आपको लगता है कि आप ट्रैफिक नियमों का सही से पालन करते हो? मैं तो बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ, लेकिन दुनिया नहीं करती है, और उसके लिए बड़ा कई बार इरिटेशन सी होती है। अब जैसे मैं एग्जांपल बताऊँ कि मैं को एक बार कहीं जाना था, मैं आधा घंटा पहले प्लान करके निकला, 10 मिनट का रास्ता था, अब 20-25 मिनट मेरे ट्रैफिक में निकल गए, जाम भयंकर जाम था। तो अब जहाँ डेस्टिनेशन पर पहुँचना है तो थोड़ा सा आदमी सोचता है टाइम पर ही पहुँच जाए, हल्की सी 60 की स्पीड वहाँ पे लिखा था और शायद 70 ही रही होगी, मैं तो मीटर, अब आप एक बार बताइए, या तो मैं मीटर को देखते हुए चलाऊं या रोड को देखते हुए चलाऊं, दोनों चीजें साथ साथ नहीं चल सकती, तो क्योंकि आपका मीटर भी गलत जगह दिया हुआ है, मीटर भी गलत है और पुलिस वाले भी और ट्रैफिक वाले भी ऐसी जगह पे स्पॉट करते हैं कि जहाँ पर उन्हें पता है 70 की स्पीड आएगी मतलब पुल से नीचे उतर रहा था, तो ऑटोमेटिकली अगर आप जीरो स्पीड भी कर देंगे तो ऑटोमेटिकली वो 70 की हो जाएगी, और उन्होंने फौरन हाथ दिया। मैंने कहा सर, पहली बात तो मैं बहुत ज्यादा था नहीं, लेकिन जाम पीछे लगा तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? बोले कोर्ट में बताइएगा। खैर, चलान देना था, गलती थी, अब एक्सक्यूज करने का कोई मतलब नहीं है, 70 था तो था, लेकिन मुझे एक आपके माध्यम से अगर ये ट्रैफिक वाले लोग देखते हैं, संदेश लेना चाहूंगा, एक तो ट्रैफिक पुलिस वालों को संदेश दीजिए और दूसरा संदेश दीजिए लोगों को जो कानून का पालन करें। देखिए, कानून तोड़ा तो उसके पैसे तो देने थे और मैंने दिए, ठीक है, और अपनी एक ये शिकायत जरूर दर्ज कराई। मैंने कहा मैं साउथ अफ्रीका गया, वहाँ बहुत अच्छा सिस्टम है, उन्होंने 30 किलोमीटर का एक फेज बना दिया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है,
यहाँ पर कैमरा लगा है, वहाँ है, उसका कह दिया कि आपको 45 मिनट में इसको पार करना है। अगर आप पहले पहुंच गए तो आपका चलान होना है। अब बीच में जाए आप 200 की स्पीड में चला रहे हैं, अच्छा ठीक है, और आपने फिर 30 की स्पीड करके वो एवरेज पूरा कर दिया, तो आपको मीटर बार बार नहीं देखना कि मैं 70 तो नहीं हो गया, मैं 80 तो नहीं हो गया, मैं 40 तो नहीं हो गया। एक फेज दे दिया उन्होंने और उस फेज को आपने इतने टाइम में पूरा करना है। और आपने देखा कि मैं बहुत जल्दी तेज तेज चला के आ गया हूँ तो आपको रोकनी पड़ेगी गाड़ी। अच्छा, तो जो हमारा टूर गाइड था उसने कहा थोड़ा सा तेज चल रहे थे हम, इसलिए हमें यहाँ थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। अच्छा। क्योंकि आगे कैमरे हैं, हमें उस टाइम से निकलना है। तो आदमी अपने आप अपनी स्पीड मेंटेन करेगा, ये होना चाहिए। हमारे यहाँ क्या है कि आपका चलान कितना, मतलब चलान की कैसे, चलान का जो टारगेट है और कोटा है उसे पूरा करा जाए। एक रेड लाइट मैंने भी देखा हुआ है सर, वो एम्स के पास में उतरने के लिए ना वहाँ पे शुरू हो जाता है, ग्रीन में आप जा रहे हो आगे 100% क्योंकि बोतल नेक होता है तो जाम लग जाता है। बिल्कुल। आप 25 पे ग्रीन में फंस गए और रेड लाइट हो गई, आप चालान भर रहे हैं 2000 रुपए 4000 रुपए का। तो कई जगह मुझे लगता है छोटी छोटी गुंजाइश है जो इम्प्रूव करना चाहिए, बट ऐसा लग रहा है कि शायद पैसा लेने के लिए लोग करने लगे हैं। अब उनके भी टारगेट्स हैं, वो भी क्या करें। अच्छा, फिर ये तो मैंने कुछ इंस्टेंस बताया हमारे जैसे लोगों के, कुछ लोग वास्तव में बहुत गंदे चलते हैं। अच्छा, लेन ड्राइविंग का आज तक किसी ने चालान नहीं करा। अब जो छोटा ये थ्री व्हीलर टाइप के जो हैं वो बिल्कुल यहाँ चल रहे हैं, आपने हॉर्न दिया, साइड मांगी। अच्छा, बाहर देखिए साहब, बिल्कुल इतना स्मूथ कि कोई हॉर्न नहीं बजाता। और जैसे ही मैं दिल्ली एयरपोर्ट से बाहर आया तो सबसे पहले गाड़ी पे लिखा था हॉर्न प्लीज, मतलब गवर्नमेंट खुद कह रही है हॉर्न बजाओ यार तुम, कि बगैर हॉर्न के हम सुनते नहीं है। अब छोटी छोटी सी बातें, इनको इम्प्रूव करना चाहिए। मैंने यहाँ ट्रैफिक के लिए बहुत काम करा है, स्कूल्स में एक मिस्टर राकेश कुमार जी हैं यहाँ पर यादव जी, तो वो लेक्चर देते हैं, वो मुझे अपने साथ रखते थे। तो सारे, मैं गार्जियन एसोसिएशन का भी जनरल सेक्रेटरी हूँ यहाँ का, तो मैंने सारे स्कूल्स कॉलेजेस में ट्रैफिक के लिए बहुत काम करा है। तो वहाँ कई बार मतलब बताया जाता था, मैंने बच्चों से भी कहा कि मतलब अगर आपके पेरेंट्स उल्टा सीधा चल रहे हैं, रेड लाइट जंप कर रहे हैं, तो ये तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है कि उनको रोका जाए। और चूंकि रेड लाइट जंप करना हिंदुस्तान में, मुझे तो ये कहते हुए बड़ा अजीब सा लग रहा है कि हमें रेड लाइट पे ज़्यादा ध्यान देना होता है, जब ग्रीन होती है और हम निकाल रहे होते हैं तो चारों तरफ देखना पड़ता है कोई और तो नहीं आ रहा कहीं। तो लोगों को सिखाना होता है यहाँ कि बेटा रेड लाइट पे रुकना होता है, ग्रीन पे चलना होता है, या उल्टा भी कर रहे होते हैं। लोग आपकी बात जरूर सुनेंगे क्योंकि आपको लोग मिलियंस में फॉलो करते हैं, क्योंकि आपके जो थोड़ा सा हमें ट्रैफिक पे ध्यान, ट्रैफिक पे जरूर ध्यान देना पड़ेगा। एंड अमित भाई, सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि अब गाड़ियां हो गई हैं बहुत ज्यादा, और हमने पार्किंग पे और इन सब चीजों पे ध्यान दे दिया, लेन ड्राइविंग पे ध्यान नहीं दिया। तो यार मतलब आगे आने वाला टाइम मेरे हिसाब से तो आप सारे जिंदगी सड़क पे ही गुजारेंगे। मेरा बेटा हांगकांग में रहता है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताना चाहूंगा, आप में से मेरे व्यूअर्स में से जो भी हांगकांग गया होगा, दिल्ली से कहीं ज्यादा छोटी रोड्स हैं और दिल्ली से कहीं ज्यादा पॉपुलेशन है और गाड़ियों की भी भरमार है। आप विश्वास नहीं करेंगे, एक भी जाम नहीं मिला, एक भी जाम पूरे हांगकांग में। और बस भी आती है ना सर पूरा टाइम से, अगर आपने 10:15 बजे आ रही है बस, तो आपको 1 या 2 मिनट ऊपर नीचे, ये बस के टाइम में बता रहा हूँ, मेट्रो नहीं। और तीसरी चीज जो सबसे बड़ी खासियत है वहां की, कि अगर रेड लाइट ऑरेंज हो गई है तो वो हाथ के हाथ रोक लेता है, उस पर ऑरेंज पे भी निकलने की कोशिश नहीं करता कोई गाड़ी वाला। चौथी बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कि अगर कोई साइकिल वाला आया है या पैदल वाला है, साइकिल वाला तो मतलब अपनी साइकिलिंग में उनको तो प्रायोरिटी मिलती है। मुझे एक इंस्टेंस याद है कि हमारे एक साइकिल वाला चल रहा था, बस वाला 4 या 5 किलोमीटर उसके पीछे पीछे चलता रहा, क्योंकि चढ़ाई थी, वो ऑलमोस्ट 10 की स्पीड में रहा होगा साइकिल वाला, हमारा उसने ना उसे हॉर्न दिया ना कुछ दिया। ये चीज़ें देखने में लगती हैं। और मैं आपको वीडियो भेजूंगा, मैंने उसका वीडियो बनाया था, मेरे घर बेटे के घर के सामने ही एक पेडेस्ट्रियन था, तो उसपे जो छोटी छोटी सी रेड लाइट्स होती हैं, रेड लाइट नहीं होती ज्यादा, ब्लिंकिंग लाइट्स होती हैं, उसके ऊपर हर गाड़ी वाले को अगर ये जैसे ये जानी है तो गाड़ी वाले को ब्रेक मारना कंपलसरी है। तो मैंने वो वीडियो बनाया बैठ के, मैं आपको भेजूंगा, कि आप जो भी गाड़ी आ रही है वो अपने आप रुकेगी, पैदल चलने वाले को प्रायोरिटी मिलेगी। ये छोटी छोटी सी बातें अगर हम फॉलो कर लें तो मेरा ख्याल देश महान हो जाएगा, देश महान हो जाएगा। और जैसे हमने अब मास्क पहनने की आदत डाल ली है सब कुछ, ये से आदत में शुमार करें। अब होता क्या है देखिए साहब, कि अगर जाम लग रहा है, ये भी मैं दिखाऊंगा, एक मैंने बनाया था कि पूरा लाइन थी तो साइड की लाइन खाली पड़ी है, लेकिन हमारे यहाँ से इधर से निकलते हुए झंडे वाली गाड़ी होती है ना नेताजी की, हॉर्न बजाते हुए नेताजी निकल गए, तो यू फील चीटेड, यार मैं तो नियम फॉलो कर रहा हूँ और देखिए ये निकल रहा है।
तो ये छोटी छोटी सी घटनाएं अगर हम लोग अगर निकलना है निकलने दें, हमें रूल्स फॉलो करने चाहिए। हाँ, दो चार लोग करेंगे तो उन्हें लाखों लोग फॉलो करेंगे। एग्जैक्टली सच्चाई है ये। सर, इस गाड़ी पे आते हैं। हाँ जी सर। आपने अपने इस लीवा से सबसे लंबा सफर खुद की ड्राइव पे कौन सा किया है? मेरी अल्मोड़ा ससुराल है। ससुराल गया? तो यहाँ से अल्मोड़ा नॉन स्टॉप जाते हैं हम। क्या बात है। और मैं ही ड्राइव कर लेता हूँ, तो बस पैशन है मुझे, दूसरे की ड्राइविंग के भरोसा नहीं रहता। अच्छा। आजकल के ड्राइवर्स किस तरह के ड्राइवर हो सर? बहुत तेज चलाने वाला या बस मस्ती मस्ती में गाने वाने सुनते? मैं सेफ एंड तेज। सेफ एंड तेज। अच्छा। हाँ, मतलब सेफ, पहली बात सेफ्टी है। अगर मेरे को गाड़ी, ये भी आपके माध्यम से कहना चाहूंगा मैं कि अगर आपको ओवरटेकिंग आपने सही रखी हाईवेज पे, तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, तो ओवरटेकिंग में ओवरटेकिंग मींस आपको सामने से गाड़ी, ये लीवा जो है आपकी ओवरटेकिंग में सपोर्ट करती है आपको? हाँ हाँ, आराम से, लेकिन मैं रिस्क नहीं लेता। अच्छा। अगर मुझे आराम से लग रहा है कि मैं कर लूंगा ओवरटेक, देन ओनली मैं उसे ओवरटेक करता हूँ गाड़ी को। अदरवाइज देखिए, आपके पास बहुत टाइम रहता है। हाँ। आप रिस्की ओवरटेक जब भी करते हैं, एक्सीडेंट तभी होता है अगर आप दो, मुश्किल से 15 सेकंड रुक जाएंगे, 15 सेकंड कवर करना है तो थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दीजिए, कवर हो जाएगा, आपकी जिंदगी का रिस्क तो खत्म हो गया ना। तो ओवरटेकिंग सबसे ज्यादा ध्यान रखने की चीज है। और सबसे बड़ी बात आपके माध्यम से कहूंगा कि अगर मान लीजिए आगे कोई बस खड़ी है, कुछ खड़ा है और आप यहाँ निकलना है, तो बस के पीछे से कई बार आदमी निकल आता है, बहुत सीवियर एक्सीडेंट्स होते हैं। तो जब भी कोई सामने बस वाला बस रोक के करता है तो उनको पता नहीं होता, तो बुजुर्ग होते हैं, गांव वाले होते हैं, तो बस के सामने से निकल आते हैं और आप सीधे निकलना है तो हेड ऑन कोलिजन होता है। तो ये छोटी छोटी सी बातें हाईवेज पे ध्यान रखनी होती हैं। मैं ये कहता हूँ, गाड़ी चलाना सिर्फ गियर बदलना और ये सब सीखना, ये नहीं। एक्सीडेंट हमेशा दूसरे की गलती से होता है, ये भी मान के चलिए। आप कितना भी सेफ चल रहे हैं, तो मान लीजिए दूसरा आदमी यहाँ चल रहा है, ये जैसे साइकिल वाले चल रहे हैं, तो इसका कोई भरोसा नहीं यहाँ जाएगा। इसके लिए मेंटली मुझे को तैयार रहना चाहिए। ओके। तो ये छोटी छोटी सी बातें अगर हम ध्यान रखेंगे तो हम एक्सीडेंट्स अवॉइड कर सकते हैं। तो सर, कितने लोगों को बिठा के चलाए हो अपने इस लीवा में अब तक? सामान वगैरह दादी की रसोई का, जहाँ तक मुझे पता है, आटा चावल दाल सब आप इसमें लेके आते हो, तो आपको इतना स्पेस मिलता है? मतलब पीछे डिक्की बहुत अच्छी है। अच्छा। ठीक है। अब देखिए, हर एक की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। आजकल के बच्चे को, मेरे बेटे को नहीं पसंद है ये गाड़ी। तो उसने उसे नहीं पता सर कि दादी की रसोई में इसने योगदान दिया है ना, वो आप ही समझते हो। और नहीं, बच्चे हैं, उन्हें उस जमाने में, उसने वो भी 6 साल हो गए उसको। अच्छा। उसने क्रूज ली थी फिर अपनी। हाँ। स्पोर्ट्स कार थी उसकी। अच्छा। चले पापा मुझे स्पोर्ट्स कार चाहिए, तो उसमें उस टाइम वही इकोनॉमिकल ब्रांड में कंपनी चली गई सर, कंपनी बंद हो गई अब तो। लेकिन गाड़ी वो भी बहुत अच्छी थी, लेकिन मेरे को अपनी फीलिंग ये है कि लंबी गाड़ी अगर आप ले रहे हैं तो शहर के लिए बेकार है वो। पार्किंग में दिक्कत, हर जगह दिक्कत है उसको, कहाँ खड़ी करें। ये छोटी गाड़ियाँ होती है, कहीं भी लग जाती हैं आराम से। और लंबी गाड़ी के पार्ट्स वगैरह भी महंगे हैं, अगर इसे कोई मार के चला जाता है तो गुस्सा नहीं आता, कहने चल यार थोड़ी सी खरोची तो लग गई है। बड़ी गाड़ी में अगर खरोची लग जाए तो दिल दुखता है यार। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं, जरूरी नहीं है हर कोई गाड़ी के बारे में बहुत सारा नॉलेज रखता हो, लेकिन ये सर इतनी बड़ी व्यक्तित्व तो है, इतना बड़ा काम करते हैं, जरूरी था इनको चैनल पर लाना। सर मुझे एक चीज बताइए, देश में जो भुखमरी, बहुत सारे लोग भूखे दिखते हैं, आप दादी की रसोई चलाते हो, आपको कैसे लगता है दूर कैसे हो सकता है, लिटरली कैसे दूर हो सकता है? कि बहुत तकलीफ होती है, छोटे छोटे बच्चे रेड लाइट पे वो घूमते हैं। देखिए, पहली चीज, बड़े करीबी से काम कर रहे हो, पहली चीज तो आप भीख देना बिल्कुल बंद कर दें। हमारा हिंदुस्तान दो ही चीजों में बर्बाद है, एक तो फ्री के चक्कर में, और आप लोग तरस बहुत जल्दी खा जाते हैं। अभी आपने ही, जब मैं किसी को डांट रहा था, मैंने कहा मैं नहीं दूंगा, आपने कहा मैं पैसे दे देता हूँ, आपको तरस आ रहा था, मुझे नहीं आ रहा था। तो मैंने उसको फौरन, मैंने उसी टाइम बोला, मैंने कहा नहीं, लोग तुम्हारे पास, कई बार आप जैसे सवाल करते हैं कि अगर किसी पे 5 रुपए नहीं है तो साहब उसे कैसे खाएगा वो। मैंने कहा ऐसे लोग जो 5 रुपए रोजाना का नहीं कमा सकते, वो बहुत बड़ा बोझ है हमारे ऊपर, पैरासाइट्स हैं। भाई आप ये लगाइए, जो आदमी जिंदगी में, मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप मेहनत कर रहे हैं, हम इतने पैसे कमा के तब अपना ये सब कुछ करते हैं, वो 5 रुपए नहीं कमा पा रहा दिन के। उसके लिए मैंने क्या कर रखा, झाड़ू रखी हुई है और बर्तन रखे हुए हैं। मैंने कहा बेटे बर्तन मेरे साथ मिलके मांज दे, लोगों के साथ, बहुत तुझे पूरा महीना खाना खिलाऊंगा मैं, बहुत काम करना पड़ेगा। हाँ। ये झाड़ू रखी है, तू झाड़ू से सफाई कर दे,
तो दो दिन का खाना दे दूंगा तुझे। मतलब आपने वहीं पे उसका सॉल्यूशन भी दे रखा है। सॉल्यूशन दे रखा है। तू कहे कि मैं तरस खाऊं, तरस किस लिए खाऊं भाई, मैं नहीं खाता कभी तरस। और आज आपको विश्वास नहीं होगा, 5.5 साल में एक भी भिखारी नहीं आया। शुरू में आए थे 2-4। उनको जब ये पता लगा यहाँ का सिस्टम ऐसा है, ये आदमी काम करा रहेगा, तो कहते हैं ये 5 रुपए लो यार, नौटंकी भी करो इनके सामने। अब वो तरह तरह की शक्लें बनाना, ये करना वो करना, वो कहते हैं 5 रुपए में यार आराम से रोटी भी मिल रही है, बच्चों के लिए फ्रूटी भी मिल रही है, उन्हें और भी एक्स्ट्रा देता हूँ। ठीक है, किसी को एक रोटी दे रहा हूँ, उन्हें 2 रोटी दे दूंगा, वो एक अलग चीज है। लेकिन उन्हें पैसे देने की आदत पड़ी होनी चाहिए, ये एक चीज। तो जो आपके व्यूअर्स हैं, अगर रेड लाइट पे उन्हें फ्री दे रहे हैं, बिल्कुल नहीं देना चाहिए पैसे। अब ये पेंसिल लेके आ जाता है, कोई कुछ लेके आ जाता है, तो आप सोच रहे हैं कि यार मैं मदद कर दूं, गलत, बिल्कुल गलत है। और हर चौराहा बिका हुआ है, आपको पता है, ऐसे किसी की मर्जी के बगैर तो ऐसे हो नहीं सकता। तो ये गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि इन लोगों को हटाया जाए वहाँ से। अगर हटा देंगे और ये चीज़ नहीं होंगी, तो लोग अपने आप काम करने पे ध्यान देंगे। और जो हमारा मेन एम है कि काम करना चाहिए हर एक को। दूसरा मैं जो कहता हूँ, एक तो फ्री मैंने मना कर दिया, और एक ये अगर आपकी चीज़ें इतनी सस्ती हो जाएंगी, जैसे 5 रुपए में खाना है, 10 रुपए में कपड़े हैं, सस्ती दवाइयाँ, क्यों रिजर्वेशन कोई नहीं मांगेगा? हमारी पूरा हिंदुस्तान 8 महीने रिजर्वेशन की लड़ाई चलती है। आप भी मांग रहे हैं रिजर्वेशन, मैं भी मांग रहा हूँ, फलाना भी मांग रहा है, निभाओगे? अब रोड पे हम चल रहे हैं, हम गाड़ी लेके निकलना आज की डेट में दूभर हो चुका है। फैमिली के साथ जा रहे हैं, कहीं पे किसी की भैंस गाड़ी से टकरा गई, उसने रोड जाम कर दी। अब साहब 4 घंटे हम बच्चों के साथ बैठे हुए हैं, कितना बुरा लगता है आप बताइए। कि उनके लिए पानी का भी आज की डेट में, जब मैं गाड़ी लेके अपनी फैमिली के साथ जाता हूँ, तो मैं कहता हूँ 6-7-8 घंटे का सारा सामान गाड़ी में रख लो, कोई भरोसा नहीं है 8 घंटे आपको कहाँ जाम में फंस जाए, ये कोई तरीका नहीं है। तो ये छोटी छोटी सी बातें हम लोगों को ध्यान रखनी चाहिए। ओके, तो जैसे सर बता रहे हैं इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए, और सर इतने अच्छे से जुड़े हुए हैं सारी चीज़ें करने। एक सवाल और करूँगा सर, आप KBC में गए थे, तो वहाँ से जो आपने धन अर्जन किया था वो आ गया आपके पास? बहुत लोग पूछते हैं। मैं भी चाहना सर, सच्चाई भी पता होनी चाहिए। दूंगा नहीं, मुझे पैसा नहीं चाहिए सर, मुझे पता करना है कि वो दादी के रसोई के पैसे आपके पास आए कि नहीं। वो दादी की रसोई सर, ये दुनिया का मतलब इंडिया का सवाल है। दादी की रसोई आपकी नहीं है, आपका अभियान था, अब ये सबका हो गया है। 90% बोले साहब इसमें हमारा भी हिस्सा है। हमारा लोग कहते हैं ना मजाक में, नहीं सर, वो तो मैंने एक अच्छे काम के लिए दिया जाता है, काम के लिए है। और एक ठीक है, ट्रस्ट में आएगा और आएगा भी, आया नहीं है, आ जाएगा वो। हाँ। एक्चुअली इनकम टैक्स वगैरह कटकटा के आता है, अच्छा, उसमें महीना लग जाता है, तो आ जाएगा। अच्छा, तो किया था आपने, कोशिश अच्छी की थी। मैंने एक भी लाइफलाइन यूज नहीं करी थी। अमिताभ बच्चन जी ने भी इस बात को कहा था। तो अच्छा था, और शुरुआत के क्वेश्चंस थे, और ठीक है, थोड़ा सा आप लोगों के साथ रह के और यहाँ पर इतना पब्लिक के साथ रह के आदत सी बढ़ गई है। नहीं, बहुत अच्छा है सर, जनरल नॉलेज के लिए। और शुरू से स्पोर्ट्स वगैरह का शौक रहा है मेरा। सर वहाँ से क्या सीख गया है? मैंने देखा बड़े आदमी बड़े कैसे बनते हैं। मैंने राष्ट्रपति जी के यहाँ भी बुलाया गया था, तो उनसे भी एक चीज़ सीखी थी। कोविंद जी जमीन से जुड़े हुए इतने हैं कि हम इतना नर्वस थे कि हमने कहा भारत के राष्ट्रपति जी से मिलने जाना है, कैसे बात होगी, क्या होगा, आप विश्वास नहीं करेंगे। बैठालते के साथ ही जैसे घर के कोई बुजुर्ग होते हैं ना, बिल्कुल वैसे माहौल के अंदर, और हमें लगा ही नहीं कि हम राष्ट्रपति जी से बात कर रहे हैं। वो राष्ट्रपति से शिकायत है मुझे, मैं आपको बुजुर्ग नहीं मानता हूँ। मतलब मैं सोच रहा हूँ जब मैं जवान भी नहीं हुआ था तब से आपको देख रहा हूँ। बिल्कुल, और इसी अंदाज में देख रहा हूँ आपको, तो मुझे लगता है कि जवानी की जो कोई परिभाषा होती है ना, कोई अनूप खन्ना जी जैसी होती है। और हमने लाफ्टर क्लब भी बनाया हुआ है, वो रावण को देख के बनाया था। रावण देखो हर 10 मिनट पे हंसता था, हर दूसरी लाइन पे। तो हंसी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है, और आप जिंदगी में जितना हंसते रहेंगे, मस्त रहेंगे, डिप्रेशन नहीं आएगा। सेम अमिताभ बच्चन जी के साथ था, हमने सोचा कि अमिताभ बच्चन जी हैं, सीधे मुंह बात नहीं करेंगे कुछ नहीं। मैं रवीना जी और सिल्वेस्टर जी जो हमारे पार्टनर थे करमवीर के दूसरे प्रतियोगी, तो हम मेकअप रूम में थे, देखा थोड़ी देर में अमिताभ बच्चन जी वहीं चले आए, कोई ईगो नहीं कुछ नहीं, नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन। हम चौंके, मैंने कही अमिताभ बच्चन जी कैसे आ गए? तो रवीना जी से बात करी, हमसे बात करी, मेरे से कहा कि आपके वीडियोस देखे हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं आप ये। तो जब इतने बड़े आदमी के मुँह से आपने काम की तारीफ सुनते हैं, तो आप गौरवान्वित तो होते ही हैं, लेकिन जिम्मेदारी का एक एहसास भी बन जाता है कि अब आपको दुगनी जिम्मेदारी से काम करना पड़ेगा। सेम राष्ट्रपति जी ने जब तारीफ करी थी हमारी, तो उन्होंने सर्टिफिकेट भी दिया था हमें, तो ऐसा लगा कि अब जिम्मेदारी और बढ़ गई है। और आज आप जो देख रहे हैं, जैसे जिम्मेदारी अभी बढ़ती जाएगी, क्योंकि जो आपने ये उठाया है ना बीड़ा, इसमें हम जैसे लोग भी आपसे जुड़े और आप जैसे लोग जुड़े
अमिताभ जी ने, राष्ट्रपति जी ने जो एक अपील करी तो उसका फायदा ये हुआ, आज पूरे इंडिया में 400 से 500 जगह दादी की रसोई टाइप का प्रोग्राम्स लोगों ने शुरू कर दिए। कोई हफ्ते में एक दिन चला रहा है, कोई दो दिन कर रहा है, कोई मेरे से बढ़िया काम कर रहा है, कोई हजार आदमी को भी खिला रहा है। तो सवाल इस चीज़ का नहीं है, इसमें कोई मैं कंपटीशन नहीं मांगता। एक दो लोगों ने दिया कि दादी की रसोई से बढ़िया खाना, मैंने कहा अच्छी बात है, चलो खाना बढ़िया हो गया, कंपटीशन में अच्छा काम हो, अच्छा काम हो रहा है, खाना तो खिला रहे, कम से कम बढ़िया चीज़ है। उसने कहा हम 2 रुपए में खाना खिलाएंगे, बहुत अच्छी चीज़ है, खाना मिलना चाहिए, कंपटीशन की बात। ऐसी चीज होती है, लोग फेम में आ जाते हैं, उनको लगता है कि इसे फेमस होने का जरिया हो गया है, लेकिन कोई नहीं समझ में आता है कि इसकी मेहनत क्या है और वहाँ से अच्छी बात है। कंपटीशन में लोगों का तो फायदा हो रहा है ना, सच्चाई है। तो सर अब हम सोचते हैं कि अब शुरू खत्म करें यहाँ पे, अगर इजाजत दें। अरे अरे बिल्कुल बिल्कुल, आपका सफर पूरा हो गया नहीं हो गया? मेरा सफर बहुत अच्छा रहा आपके साथ में। मेरी ड्राइविंग कैसे लगी? बड़े ऐतिहासिक ड्राइवर सर, मैं आपकी ड्राइविंग बहुत टाइम से देख रहा हूँ, बहुत अच्छा लगा, और आप इतिहास लीवा के साथ जी रहे हैं, और सबसे अच्छी बात है कि आपका जो जज्बा है ऐसे ही बना रहे, क्योंकि अभी बहुत कुछ करना है आपको आगे, बहुत क्योंकि हर कोई देखता है कि भैया अच्छा होना चाहिए, लेकिन उसके लिए कोई कदम नहीं उठाता है। एक कदम बाहर निकाले ना, तो मुझे लगता है कि 100% हर कोई करना शुरू कर देगा, 1 से 10 लोग फॉलो करना शुरू करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो अनूप खन्ना जी के साथ आपको पसंद आया होगा, और कभी मौका मिले अगर आप नोएडा में रहते हैं तो कहाँ पे पता बता। मेरा गंगा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, सेक्टर 29 में, नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन बॉटेनिकल गार्डन के सामने है, और गूगल मैप पे भी है। गूगल मैप पे आप दादी की रसोई टाइप करेंगे तो हमारी लोकेशन आ जाएगी, और रहता मैं 47 सेक्टर में हूँ, और सब्जी वगैरह वहीं से आती है। तो दादी की रसोई जो है भूखों का को खाना खिलाने का माध्यम नहीं है, दादी की रसोई मेहनत करना सिखाती है। अपनी मेहनत से 5 रुपए कमाओ और पेट भर के खाना खाओ, गलत हो तो बताइएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों कमाते रहिए, अच्छा कमाइए, और लोगों को प्रेरित करिए कि वो भी कमाए, भीख ना मांगे, जिससे अपना देश उज्जवल बने और यहाँ के लोगों का जो भविष्य है और भी ज्यादा उज्जवल वाला हो जाए। सर बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों अपना ध्यान रखिए, कल फिर और किसी वीडियो में मिलेंगे। अनूप खन्ना जी से पहली बार मुलाकात की, मुझे बहुत मजा आया। थैंक यू। और सर ऐसे दादी की रसोई को आप आगे बढ़ाते रहिए, हम भी जुड़े रहेंगे आपके साथ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू।